अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जौली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जौली अजीम के हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्बल प्लांट को सिलेक्ट किया है और दोस्तों आज मैं आपको कसूडी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, कसूडी को इंग्लिश के अंदर मुख्तलि नामों के साथ पुकारा जाता है। इसे नेगरू कॉफ़ी भी बोला जाता है और दोस्तों इसे सेना कॉफ़ी भी बोला जाता है। दोस्तों, कसम मर्दा भी बोला जाता है और साइंटिफिक तौर पे इसे सीना ऑक्सीडेंटलिस्ट बोला जाता है। कसूडी के प्लांट के तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं काम आती हैं। इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसके फूल भी काम आते हैं, इसकी जड़ें भी काम आती हैं, इसका तना भी काम आता है। और दोस्तों, इसके ऊपर पीले रंग के फूल आते हैं, इसकी खास एक स्मेल होती है। और ये पौधा ज़्यादातर जो है मोतदिल इलाकों के अंदर पाया जाता है और ट्रॉपिकल जो एरियाज है उसके अंदर पाया जाता है। और दोस्तों, साउथ एशिया के अंदर खुदरू है, यानी खुद ब खुद ही उगाता है। दोस्तों, इसके पत्ते जो है बेजवी टाइप होते हैं। चले दोस्तों, ये तो कसुंडी के पौधे के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स और यूजेस की तरफ। दोस्तों, जिसम इसे हर किस्म के कैंसर को दूर करता है, जिसम इसे सूजिश को दूर करता है, कोई गलती बन रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है उसे ख़त्म करता है। और दोस्तों, बेहतरीन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी मलेरिया है, मलेरिया बुखार के अंदर बेहतरीन है। आजकल डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप इसके पत्तों के कहवा बना के पिए तो दोस्तों आपके डेंगू बुखार दूर हो जाएगा। गिलहरी की बीमारी को ये दूर करता है और दोस्तों डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करके मूड को अच्छा करता है। और दोस्तों, सांस से रिलेटेड तमाम बीमारियों को दूर करता है, फेफड़ों को ताकत देता है, अस्थमा को दूर करता है, नज़ला जुकाम को ये दूर करता है। और दोस्तों, एंटी फंगस प्रॉपर्टी भी ये रखता है। और दोस्तों, कोई जहरीला कीड़ा काट गया, कोई बिच्छू काट गया, कोई सांप काट गया, कोई कनखजूरा वगैरह काट गया, तो उस जगह के ऊपर आप इसके पत्तों का पेस्ट जो है पीस कर लगाएं तो दोस्तों आपको पेन में राहत मिलेगी। और दोस्तों, पेट के कीड़ों को भी ये ख़त्म करता है। और दोस्तों, ब्लड प्रेशर को सतह पर लेकर आता है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई पेन है, ज्वाइंट पेन है, मसल्स पेन है, उसे दूर करता है। एसाबी कमजोरी को यह दूर करता है, फालिश, लकवा, मिर्गी वगैरह को दूर करता है। चलो दोस्तों, ये तो कसुंडी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस और बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है, कसुंडी का जो पौधा है, इसकी तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती है, इसके फूल भी इस्तेमाल होते हैं, इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसके जड़ तना वगैरह सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, आपने एहतियात करनी है, इसके जो बीज हैं बहुत टॉक्सिक होते हैं, छोटे बच्चों को आपने नहीं देना। गर्म खुश्क तो ये बीज रखता है, इसे ज़्यादा मकदार में खाने से जो है डेथ भी हो सकती है, कोमा में जा सकते हैं आप। और दोस्तों, ऐसी हमला खावतें जिनका अक्सर बच्चा ज़ाया हो जाता है, जिन्हें डीएनसीज होती हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, वो बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें, उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नीगरू कॉफ़ी यानी कसूडी के पौधे के बारे में मैंने जो आपको बेनिफिट्स बताए, आपको यूजेस बताए, आपको साइड इफेक्ट्स बताएँ, इसके बारे में फैक्ट्स बताएँ, इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ केमिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यों नहीं कीजिएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। चले दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।